अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अपने चैनल स्ट्रेचन स्पाइस में मैं आज आपको बहुत ही प्यारा ट्राउज़र के बॉटम का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मेरा ट्राउज़र कट हुआ हुआ है, तो चलो शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। इसके लिए हमें चाहिए होगा इंच टेप, लेस, चॉक, रूलर। स्टार्ट करने से पहले मुझे इसके तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे पांचे की सिलाई लगानी है। फोल्डिंग करके पहले हम लगाएंगे लेस। इस तरह से मैंने इसको हल्का सा कीला किया ताकि अच्छे से क्रीज बैठे। ठीक है, ये निशान बन गया है, क्रीज बन गई है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि अच्छे तरीके से एक ही लेवल में सिलाई हो जाए। ठीक है, अब पहले हम ये पांचे फोल्ड करेंगे, इस तरह से लेस लगाएंगे, फिर अपने सिंपल सी प्यारी सी डिजाइनिंग करेंगे। इस तरह से जो क्रीज बनाई थी, जो क्रीज बनाई है उसको इस तरह से फोल्ड किया और सिलाई लगा लें। इस तरह से सिलाई लगा लें दोनों पांचों के क्रीज के साथ साथ। एक पांचे की सिलाई पूरी हो गई, इसी तरह से आप दूसरे पांचे की सिलाई पूरी करें। फिर दोनों पांचों की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस पे लैस लगानी है। लैस इस तरह से लगानी है कि बारीक सी पतली सी लैस है। लैस को किनारे पे रखें इस तरह से और आराम आराम से सिलाई लगाते हुए आए। इस तरह से आराम आराम से सिलाई लगाते हुए आए। इस तरह से दोनों पांचों पे लैस पूरी कर करके लगा लें। ये दोनों पांचों पर लैस लग गई है, बारीक सी पतली सी लैस है और बहुत ही खूबसूरत लैस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने इस पर डिज़ाइन क्या करना है, हमें इस पर छोटी छोटी पतली पतली सी प्लेट्स डालनी है। ये हमारे दोनों पांचे मैंने प्रेस कर लिया है इसको। अब हम शुरू करते हैं अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस तरह से लाइन्स बनानी पड़ेंगी। बॉटम से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसकी कोई टेंशन ना ले क्योंकि ये धुलने के बाद हट जाएगा। इस तरह से 2-2 इंच पे लाइन मार्क करें। ठीक है, एक पांच पे मार्क कर लिया। अब मैं इसी तरह से दूसरे पांच पे मार्क करने जा रही हूँ। ये दोनों पॉइंटों पे मार्किंग हो गई है 2-2 इंच पे। अब इसके बाद एक और 2 इंच पे मार्क करें। इस तरह से एक और 2 इंच पे मार्क करें। छोटे छोटे डॉट्स जगह जगह पे डाल दें और फिर रूलर की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें।
ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, हल्की सी ड्रॉ करूंगी ताकि ज्यादा गहरा निशान ना पड़े। ये 2 इंच पे कौन लाइन ड्रॉ गई, अब इस वाले 5 को भी ड्रॉ कर लूंगी। दो इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ, इस पे भी। अब यहां भी लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक और मार्क करूंगी, वो भी 2 इंच पे करूंगी। इस तरह से दोनों पांचों पे 2-2 इंच पे तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये 3-3 लाइनें ड्रॉ हो गई हैं दोनों पांचों पे, दोनों ट्राउजर के बॉटम पे। अब मैं इसकी क्रीज बनाऊंगी, इस तरह से दोनों एजेस पकड़े, बिल्कुल जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस तरह से रखा हमने इसको, और इस पे एक क्रीज बना ली, ठीक है। इस तरह से क्रीज बना ली, ये क्रीज हो गई। इस वाले पॉइंट से भी इसी तरह से क्रीज बना लें। वो इसलिए कि जब हम प्लेट डालेंगे इसमें तो अच्छा। अब जब हम दूसरी लाइन पे क्रीज जो दूसरी लाइन है उसमें क्रीज बनाएंगे तो ख्याल करें कि आपकी ये वाली क्रीज खराब ना हो। इसको हम कुछ ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये तीसरी दूसरी क्रीज भी हो गई और अब तीसरी भी बना लेती हूँ। ऐसी बनाएं कि आपकी दूसरी वाली खराब ना हो। अब मैं दूसरे पांचे की भी क्रीज बना के दिखाती हूँ। इस तरह लाइन वाली जगह से पकड़ा, इसको ऐसे किया और इस तरह से दबा के आप करें ताकि आपकी क्रीज बन जाए। ये बन गई, एक और बना रही हूँ तीसरे नंबर वाली, चौथी भी बनाएंगे, लेकिन पहले ये 3 बना ले, उसके बाद हम चौथी की भी लाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये 3 दिन हो गई है, चले शुरू करते हैं इसकी सिलाई। ये जो क्रीज बनाई है हमने, ये क्रीज, इस पे हमने इतना तकरीबन 1 फुट के फासले पे सिलाई लगा, एक बूट का फासला है, देखिए एक बूट के फासले से सिलाई लगा रही हूँ। लगाते हुए आप थक जाए, और इसको लगाने के बाद दूसरे पांचे की भी पहले वाली इस तरह से लगाते हुए एक पांचे की सिलाई खत्म हुई। अब मैं दूसरे पांचे की तरफ आ रही हूँ, सेम उसी डिजाइन से उसी सीक्वेंस से इसको रखें, इस तरह से रखें जैसे हमने उस पांचे को रखा था, और इसी तरह से एक बूट के पास के पास जैसे इसकी भी सिलाई पूरी लगाएं। इसके बाद दूसरी प्लेट की बारी आएगी, ये दोनों पांचों की पहली पहली प्लेट कंप्लीट हो गई है। अभी दूसरी तीसरी लाइन लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 लगा ली हूँ, तीसरी लगा रही हूँ, इस तरह से तीसरी भी हो जाएगी कंप्लीट। अभी एक बूट के फासले से लगा रही हूँ तीसरी सिलाई। अब दूसरा पांचे की शुरू कर रही हूँ, दूसरे पांचे की तीसरी लाइन इस तरह से।
ये कंप्लीट हो गई है। इसकी तीनों लाइनें, तीनों सिलाइयां, तीनों प्लेटें कंप्लीट हो गई हैं। इसको इस तरह से प्रेस करें कि ये जो प्लेट्स ऐसे खड़ी सी हैं, ये इस करो नीचे की तरफ आ जाए इस तरह से। अगर हम इस पे जरा सा पानी छिड़केंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सा डिजाइन है ये। इस तरह से बहुत खूबसूरत डिजाइन बन रहा है इसको। अब मैं फोर्थ लाइन ड्रॉ करूंगी 2 इंच के फासले से। फोर्थ लाइन मैंने पहले इससे ड्रॉ नहीं की क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये लाइन ज्यादा हो जाएंगी तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। 2-2 इंच के फासले से सेम वैसे ही छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ इस तरह से। इस पॉइंट से भी सेम वैसे ही डॉट्स बना रहे, 2-2 इंच के फासले पे इसी तरह निशान लगा के रूलर से लाइन बनाए और फिर इस्त्री से क्रीज बनाए। इसको इस तरह से पकड़े सेम वैसे ही जैसे पहले किया था और इस तरह से इसकी क्रीज बना लें। इस पॉइंट के साथ भी ऐसे ही करें। जो लाइन ड्रॉ की है वहां से पकड़े ऐसे रखें और इस तरह से क्रीज बना लें। अब यहाँ पे प्लेट और बनाए और फिर ट्राउजर की डिजाइनिंग खत्म और फिर हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर देंगे। इसकी चारों प्लेट सिल चुकी हैं। इस तरह से मैंने इसकी क्रीज बिठा ली है। अब ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये कंप्लीट हो गया है। बस अब मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे ट्राउजर को स्टिच करने के बाद आपके साथ इसकी तस्वीर शेयर करूंगी। ट्राउजर के बॉटम का डिजाइन बिल्कुल रेडी है। 5 प्लेट्स डाली हैं इसमें मैंने, बारीक सी पतली सी लैस लगाई है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है लैस लगने के बाद। ये ट्राउजर सिंपल ट्राउजर है। और भी मैं आपके साथ अच्छे अच्छे डिजाइन शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।